नाज़रीन, नहर-ए-ख़याम क्लिफ्टन पर डेमोलिशन का काम जारी है। बिल्डिंग को गिराया जाने का काम जो कि 15 जनवरी से शुरू है। ये 6 मंजिला बिल्डिंग थी जिसको मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है। अब इसके बेसमेंट को साफ़ करने का काम हो रहा है। KMC का अमला भारी तादाद में यहाँ पर काम कर रहा है और सैकड़ों टन वज़नी सरिया यहाँ से निकाला जा चुका है। और ये आप इसको देख सकते हैं, भारी मशीनरी इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है जिस पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा भी आ रहा है। नहर-ए-ख़याम इसके साथ पड़ती है जो कि 120 फुट चौड़ी है, जो कि क्लिफ्टन एरिया के फिपरे कहलाती है। ये तूफ़ानी पानी और बारिशों के पानी के बहाव के लिए बनाई गई थी, ना कि ये सेवरेज वाटर के लिए, जिसको बहुत सारा गंदा पानी भी इसमें आजकल छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर स्कूटी अहलकार भी मौजूद हैं जो अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एहतियाती तदाबीर ताकि इख्तियार की जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साकिब निसार ने यह हुक्म जारी किया था कि नहर-ए-ख़याम के साथ मौजूद गैर कानूनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह को गिरा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने मज़ीद ब्रीफ लेते हुए इस प्रोसेस को स्पीड अप करने का हुक्म भी दिया मेयर कराची वसीम अख्तर को। ये आप देख सकते हैं, इसके सामने ये पार्क का एरिया है जिसके सामने ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, इंक्वायरी की कि गैर कानूनी ढांचे इससे पहले क्यों ना डिमोलिश किए गए, तो इस पर मेयर कराची ने जवाब दिया कि इन्हें प्रेशराइज किया गया कुछ बाअसर शख्सियात की जानब से जो इन सरगर्मियों की पुष्टपनाही करती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें ये हुक्म दिया कि वो इनकी फ़िक्र ना करें बल्कि इन तमाम बिल्डिंग्स को, ढांचों को डिमोलिश कर दिया जाए, मैं इनको खुद देख लूँगा। और मज़ीद ये कहा कि नहर की दोनों साइडों पर मौजूद हर तरह की बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर और जो भी चीज़ यहाँ पर गैर कानूनी बनी हो उसको गिराया जाए और जो कुछ भी होगा वो मैं खुद देख लूँगा। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही सख्त अल्फाज जो हैं इस काम के लिए कहे गए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, अमला यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये नहर-ए-ख़याम के साथ साथ का एरिया है। ये स्कूटी की वैन यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक को यहाँ पर आने से रोका गया है, अल्टरनेट रास्ता अपनाने का हुक्म दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सिलेंडर